संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जान पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगी की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगी की तरह मुँह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुँह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुँह धो लो जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा।